कारोबारी हफ्ते के पहले दिन यानी सोमवार को बाजार में उतार चढ़ाव वाला मूड माहौल देखने को मिला। सेंसेक्स 99 अंक चढ़कर 62,700 के पार बंद हुआ। निफ्टी 38 अंक चढ़कर 18,600 के ऊपर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी 44 अंक गिरकर 43,950 के बेहद करीब बंद हुआ। बाजार में क्या रही आज की खासियत, समझा रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। देखिए, अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय बाजारों की शुरुआत जो है काफी अच्छी देखने को मिली। हालांकि दिन के दौरान अगर आप देखें तो बाजार ने बहुत ही सीमित दायरे में एक रेंज बाउंड ट्रेड दिखाया। निफ्टी की बात करें तो 18,610 के ऊपर के आसपास जो है क्लोजिंग यहां पर आपको देखने को मिली है। निफ्टी बैंक पूरे दिन रेंज में 44,000 के बेहद करीब यहां पर क्लोजिंग आपको देखने को मिली। निफ्टी के बढ़ने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो देखिए, कच्चे तेल में जिस प्रकार से गिरावट आ रही है, फायदा मिल रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। 3.5% के गेंस आपको BPCL पर नजर आए। HCL टेक IT स्टॉक्स में बढ़िया रिबाउंड देखने को मिला। साथ में इन्फोसिस है, 2% की तेजी यहां पर रही। और NTPC जिसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है, आज करीब 2% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। गिरने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो पारग्रिड यहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। सिप्ला फार्मा स्टॉक्स में काफी बड़ा बस था। L&T में गिरावट, टाइटन भी करीब 1% की प्रॉफिट बुकिंग के साथ स्टॉक बंद हुआ। PTC इंडस्ट्रीज यहां पर भी देखिए, पिछले एक हफ्ते से बस काफी ज्यादा है, आज 20% के गेंस आपको देखने को मिले। मैक्स इंडिया 16% चला है और डिलीवरी यहां पर भी आप देखिए दिन के दौरान 10% के करीब की तेजी आपको देखने को मिली। गो फैशन डील के जरिए 5% की गिरावट। SRF यहां पर एक्सपोर्ट के जो आंकड़े आए हैं पिछले साल के मुकाबले मई महीने में घटे हैं, इसका असर है, 4% की गिरावट। इसके अलावा HOEC है, HPCL है, कैस्ट्रोल जैसे कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आपको खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा जय भारत मारुति 20% की तेजी। गार्डन रीच पूरे शिप बिल्डिंग पैक में बड़ी गजब की तेजी देखी गई। शीला फोम में 12% का गेन देखने को मिला। लेकिन गिरने वालों की बात की जाए तो त्रिवेणी टर्बाइन, KRBL और आयन एक्सचेंज ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जहां पर आज आपको ऊपरी तरफ से गिरावट देखने को मिली।